नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक तरफ मोदी योगी का जादू पूरे देश में देखने को मिल रहा है, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके जो नतीजे सामने आए, चार राज्यों में कमल खिला, जिसने ये साबित कर दिया कि मोदी योगी की लहर साफ तौर पर देश में देखी जा रही है। अब एक तरफ लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ एक तबका ऐसा है जो हमेशा से इनका विरोध करता आया है, बीजेपी का विरोध करता आया है, इनकी विचारधारा पर सवाल उठाता आया है। और इनमें पत्रकारों का भी एक वर्ग है, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, दिग्गज पत्रकार हैं, जो अपने YouTube चैनल्स पर या फिर अपने ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी योगी की आलोचना करने से गुरेज नहीं करते हैं। खैर, इन सब के बीच एक पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, इन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि अभिसार के इस ट्वीट का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। वैसे इस ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि अभिसार शर्मा ने लिखा था, अगर 2022 यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ फिर से जीते तो मैं नोएडा से शिफ्ट होकर दिल्ली के शेख सराय आ जाऊंगा और वहां अंडे ऑमलेट की रेडी लगाऊंगा, लिख कर ले लो। इसी ट्वीट पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, तो फिर कब से अभिसार शर्मा जी ऑमलेट की रेडी लगा रही हैं? यानी कि अभिसार शर्मा को अब ट्रोल किया जा रहा है। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते आए हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ वापस आए तो हम ये कर लेंगे, कोई कहता है कि हम यूपी छोड़कर चले जाएंगे, कोई कहता है हम देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर होता कुछ नहीं है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ सरकार में वापसी ऑलमोस्ट कर ही गए हैं और बीजेपी की वापसी उत्तर प्रदेश में हो गई है, तो ऐसे में अब इन विरोधी पत्रकारों के, विरोधी लोगों के ट्वीट्स, इनके पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं और लोग इन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वैसे अभिसार शर्मा के ट्विटर पर जाकर जब हमने देखा तो हमें इस तरह का कोई ट्वीट नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया हो, या हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट किया ही ना हो। सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में इस तरह के ट्वीट भी सामने आ ही जाते हैं। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया होगा तो फिर उनकी ट्रोलिंग जबरदस्त तरीके से होनी लाजमी है। बहरहाल देखा जाए तो सिर्फ अभिसार शर्मा ही नहीं, अजीत अंजुम ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से मोदी योगी के खिलाफ अपनी बयानबाजी की, अपने शोज बनाए, लेकिन जब योगी की जीत हो गई, बीजेपी की जीत हो गई, तो वो थोड़े से चुप चुप नजर आए। हो सकता है कि उनकी जो खुशी थी उस पर पानी फिर गया और शायद यही वजह है कि लोग अब ऐसे पत्रकारों को, ऐसी दिग्गज हस्तियों को ट्रोल कर रहे हैं जो मोदी योगी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते थे। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।